हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। जैसे कि मैंने वन डे वन कॉन्सेप्ट सीरीज कंटिन्यू करी हुई है, आज हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। बट आपका जैसे नेट का एग्जाम पास आ रहा है, तो इसीलिए नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स है जो लिए गए थे हायर एजुकेशन को लेकर, वो सारा आज आपको मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, मैं स्वयं एंड स्वयं प्रभा दोनों आपको करा चुकी हूँ कंप्लीट। ठीक है, स्वयं प्रभा जो मैंने कराया था उसमें क्या था कि कॉम्बिनेशन है डीटीएच चैनल्स का, ठीक है, जिसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं एंड कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सारा मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। नाम से ही क्लियर है, डिजिटल इट मीन्स जो भी आपको सोर्स मिलेगा रीडिंग का वो आपको डिजिटल मिलेगा, ऑनलाइन आपको सोर्स मिलेगा रीडिंग का। जो नॉर्मल लाइब्रेरीज होती है उसमें आप जाते हैं, पर्टिकुलर बुक सिलेक्ट करते हैं, उसको आप रीड करते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का मोबाइल या किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी का इश्यू नहीं होता। लेकिन नेम से ही क्लियर है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इट मीन्स कि जो भी आपको सोर्स, जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आपका सोर्स ऑफ, जो भी रीडिंग आप जिस भी बुक से करेंगे वो आप ऑनलाइन रीडिंग करेंगे, ठीक है, थ्रू मोबाइल, थ्रू लैपटॉप या थ्रू कंप्यूटर्स, आप किसी चीज़ के थ्रू उस चीज़ को रीड करेंगे। लाइक आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप एक मीडियम है, ओके, किस चीज़ का मीडियम है, उस बुक को रीड करने का। तो चलिए पढ़ते हैं इसी के बारे में ही। जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NMEICT के अंडर जो MHRD है, उन्होंने इनिशिएट किया NDL इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना जिससे आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क, यानी देखिए जो NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो एक सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी है, यानी आपको एक ही जगह से बहुत सारा लर्निंग रिसोर्स मिलेगा वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल का मतलब होता है जब आप चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, ओके, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल। जैसे आप इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं, बट आप उसको टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो NDL है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया गया जिससे यूजर्स को सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी मिले एंड उसको एक ही, यानी सिंगल विंडो, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही सोर्स से उसको काफ़ी सारा लर्निंग रिसोर्स वर्चुअल मिले। जो प्रोजेक्ट है इसका नेम क्या है, क्या टाइटल रखा गया, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करना। ठीक है, किस चीज़ को लेकर, एक ये हमारे नेशनल एसेट को बिल्ड करने के पर्पज से ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया, जो कहाँ पर सेंक्शन किया, IIT खड़गपुर, ठीक है, NMEICT के अंडर MHRD ने IIT खड़गपुर में इस पूरे प्रोजेक्ट को सेंक्शन किया। NDL एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कलेक्ट करती है, सारा कलेक्ट करती है, कंबाइन करती है मेटा डाटा, यानी जितने भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन हैं हमारे इंडिया में या फिर अब्रॉड में, वहाँ से पूरे डाटा को कलेक्ट करना, उसे कलेक्ट करना, कंबाइन करना, ठीक है, इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक्स मिलेगी, आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, सिमुलेशन, फिक्शंस, ये जितने भी तरह का लर्निंग रिसोर्स है वो सारा आपको NDL पर मिलेगा। इसीलिए कहा गया ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे रेलेवेंट सोर्सेज को कंबाइन किया गया है जिससे आपको हर तरह का डाटा मिल सके। NDL India is designed to hold content of any language and provides interface support for leading Indian languages. ये जो डिज़ाइन किया गया है NDL, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको हर एक लैंग्वेज की चीज़ें मिल सके, ठीक है, एकेडमिक लेवल, यानी जो भी स्टूडेंट जिस भी लेवल पर है उसको वो सारा लर्निंग रिसोर्स की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मिले। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कराया था कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स क्या होते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर्स वो होते हैं जो पूरी लाइफ कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। एंड फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं आते, इवन टीचर्स, कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, वो भी कुछ ना कुछ सीखता है इंटरनेट से। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इसमें हर एक बंदा इंक्लूड होता है, सारे डिसिप्लिन का मतलब होता है ब्रांच ऑफ नॉलेज, ओके।
सो ये सारा हमारा NDL के बारे में है. NDL जो है इसका मेन एम क्या है, कलेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना और डिसेमिनेट यानी प्रोवाइड करना सारा का सारा इंटेलेक्चुअल आउटपुट. इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो आपके माइंड से रिलेट करता है, जब अपने माइंड से कुछ नया क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल. ठीक है, आपके माइंड से जब कोई चीज़ क्रिएट हो रही है दैट इज़ आउटपुट. ओके, सो क्या करना, जो भी कंटेंट है कोई ना कोई तो उसको क्रिएट कर ही रहा है और कंटेंट हमारा इंटेलेक्चुअल रिलेट करते हैं, जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अपने माइंड का यूज़ करके दे रहे हैं. तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि हमारे NDL का एम यही है कि सारे इंटेलेक्चुअल आउटपुट को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसे डिसेमिनेट करना. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स को, टेक्निकल एजुकेशन को या लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को. ओके, तो ये एक लोगो है नेशनल डिजिटल इंडिया लाइब्रेरी का. आगे हम बात करेंगे इसका एम क्या है. देखिए, एक फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया सिर्फ इसलिए कि हम हर एक बच्चे को ई कंटेंट प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, इसमें OAI PMHP डेवलप किया जाता है. ये एक सर्वर है OAI PMHP, ये सर्वर है मेटा डाटा हार्वेस्टिंग के लिए, इंडेक्स के लिए इसके डेवलपमेंट होना. सर्व एज ए पैन इंडिया वर्चुअल टीचिंग लर्निंग इवेल्यूशन नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर की नेशनल एसेट. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म, पैन इंडिया वर्चुअल टीचिंग लर्निंग इवेल्यूशन नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसमें नेशनल एसेट को बिल्डअप किया जाता है, सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, लाइक चाहे कल्चर की हो, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट की हो, यानी हर एक फील्ड से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है. यहाँ पर इसको कंबाइन कर देते हैं NDL में. सारा डाटा फिल्टर्ड होता है, एकदम डबल चेक होता है सारा डाटा, जिससे कि कम से कम एफर्ट्स में आपको सही रिसोर्सेज मिले पढ़ने के लिए, सही कम समय में काफ़ी चीज़ें पढ़ पाए. देयर आर मोर देन 72 लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल थ्रू द NDL. आपको सिर्फ इस NDL से, आपको सिर्फ इस NDL से 72 लाख से भी ज़्यादा, 72 लाख से भी ज़्यादा डिजिटल बुक्स अवेलेबल है जिससे आप पढ़ सकती है. ओके, जो कंटेंट आपको मिलता है, एजुकेशन के जितने भी डोमेन्स है, एजुकेशन के जितने भी एरिया है, हर एक चीज़ को कवर किया जाता है इस NDL पर. नेक्स्ट हम, और देखिए, मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स जो है NDL पर रजिस्टर्ड है. 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे NDL पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है. एंड ये NDL आपको, ये एक तरह का मोबाइल ऐप है जो आप अपने प्ले स्टोर से सीधा आप उसको डाउनलोड करके इसकी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के बारे में. डिपॉजिटरी मतलब जहाँ पर आप सारी चीज़ें डिपॉजिट करके रखते हैं, उसे हम कहेंगे डिपॉजिटरी. नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी एक ऐसा इनिशिएट है जो MHRD ने लिया, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये. ठीक है, जो क्या फैसिलिटेट करती है, कोई डिजिटल कोई चीज़ इशू हो रही है, कोई डिजिटल स्टोरेज, डिजिटल एक्सेस एंड जितने भी एकेडमिक अवार्ड्स हैं उनकी वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डिजिटली इशू करती है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पर. अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं या आपका कोई भी, यानी आपका एजुकेशन लेवल से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी अवार्ड, ठीक है, आपको ईजिली ऐप से मिल सकता है. ठीक है, आपको ईजिली एक ऐप से मिल सकता है एंड उस ऐप का नाम है डिजीलॉकर. ठीक है, डिजीलॉकर ऐप से आप कोई भी तरह का सर्टिफिकेट ले सकते हैं इजीली. तो वे क्या है, वे भी एक इनिशिएट है जिसने आपके सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं सारे डिजिटली क्या कर देते हैं, इश्यू कर देते हैं. तो ये भी क्या है, एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एक ऐसा तरीका है जिससे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सारी चीज़ें अपनी इशू कर देती हैं, ठीक है, डिजिटली. अब हम बात करेंगे 5E शोध सिंधु, इसका क्या मतलब है, देखते हैं हम इसके बारे में भी. देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं शोध सिंधु के बारे में. बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, द MHRD हैज फॉर्म्ड ई शोध सिंधु मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स, नेमली UGC NET, UGC इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम. शोध सिंधु जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पर बेस है, एक्सपर्ट कमेटी यानी MHRD पर ही बेस है. इन्होंने 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज किया, जिसके कौन से हैं तीन, में UGC इंफोनेट, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICTE. ओके, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है इसकी फुल फॉर्म. मोर देन 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड ई बुक्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू द ई शोध सिंधु इनिशिएटिव.
15,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी सारी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं। ये एक बेस्ट एक्सेस है, यानी ये अलाउ करता है कि आप बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस मोड को यूज़ करके जो इन्फ्लिपनेट है गांधीनगर में, जो कि गुजरात की क्या है कैपिटल है गांधीनगर, उन्होंने इसको क्या किया, स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। एंड ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाकर और बाकी नॉलेज भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्चुअल लैब्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल का मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि क्या होता है टर्म ही, ओके। आप थोड़ा सा अगर आपने वीडियो स्किप किया था, आप उसको वापस से रिपीट करके सुनिए। वर्चुअल मैंने क्लियर किया था क्या होता है, तो वर्चुअल लैब से क्या है फ्रेंड, जो भी फिजिकल डिस्टेंस है एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज मेक अस अनेबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट स्पेशली व्हेन दे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। वर्चुअल लैब से जो फिजिकल डिस्टेंस है, जो रिसोर्सेज की कमी है, उसको क्या है, उस डिसएडवांटेज को कम कर देता है वर्चुअल लैब्स, ठीक है। जो गुड टीचर्स हैं उनके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वे स्केयर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनकी कमी होती है। बट जो वेब बेस्ड और वीडियो बेस्ड कोर्सेज हैं, उन्होंने इस स्केयर्सिटी को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस इशू को कम कर दिया, एड्रेस कर दिया। कंडक्टिंग जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स बाय टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो शेयरिंग कॉस्टली रिसोर्स हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज, ठीक है। With the present day internet and computer technologies, the above limitations can no more hamper students and researchers in enhancing their skills and knowledge. ये क्या कह रही है, देखिए इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर किया गया है कि जब चीज़ें वर्चुअल नहीं होती थी, सब कुछ ऑफलाइन होता था, तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती थी टीचर्स और स्टूडेंट्स को, कि जो फिजिकल डिस्टेंस है, रिसोर्सेज की कमी, मिलकर एक्सपेरिमेंट ना कर पाना या कॉस्टली होना, यानी बहुत सारे चैलेंजेस टीचर को फेस करने पड़ते थे, रिसोर्सेज की स्केयर्सिटी होना। बट इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से और वर्चुअल ऐप की वजह से अब ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है जो स्टूडेंट को हैम्पर या तंग करती है, ठीक है। अब रिसर्चर्स भी अपनी स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। हमारी कंट्री में जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जो इक्विपमेंट्स होते थे, वो शेयर करने मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते थे, लेकिन वर्चुअल ऐप्स की वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। वेब एनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिज़ाइन फॉर रिमोट ऑपरेशन एंड व्यूइंग सो एज टू एंथ्यूज द क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन इन टू स्टूडेंट्स। जो वर्चुअल लैब्स हैं, इसमें जितने भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, वे वेब अनेबल हो गए। इट मीन्स जो भी रिमोट मतलब होता है दूर, रिमोट का मतलब होता है जो चीज़ें काफ़ी दूर है, तो जो रिमोट ऑपरेशन है उसको बहुत सक्सेसफुली, यानी वर्चुअल लैब्स में वे सारे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जाने लगे, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी और इनोवेशन एंकरेज हो, ठीक है। ये हेल्प करता है एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने में रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। टुडे मोस्ट इक्विपमेंट हैज कंप्यूटर इंटरफेस फॉर कंट्रोल एंड डाटा स्टोरेज। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन गुड एक्सपेरिमेंट्स अराउंड सम ऑफ दिस इक्विपमेंट व्हिच वुड एनहेंस द लर्निंग ऑफ अस। वर्चुअल लैब्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ पॉसिबल हो पाए कि जो स्टूडेंट्स हैं इक्विपमेंट्स का यूज करके अच्छे एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन कर पाए, जिससे उनकी लर्निंग एनहेंस हो। इंटरनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन जब से होने लगे वर्चुअल लैब्स के थ्रू, ठीक है, इन्होंने परमिट कर दिया कि वे नॉलेज, सॉफ्टवेयर एंड डाटा जो भी अवेलेबल है वेब पर, उसको अच्छे से यूज़ कर पाए। आगे हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका, कि 205 वर्चुअल लैब्स हैं, 9 इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन के अंदर 205 वर्चुअल लैब्स हैं, जिसमें 1515 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ऑपरेशनल एंड करंटली 600,000 स्टूडेंट इसको यूज़ कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 ई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। देखिए ये भी MHRD का एक इनिशिएट है, ई यंत्र, जो इम्प्लीमेंट किया गया, रोबोटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर। इट मीन्स ई यंत्र का मतलब है इंजीनियरिंग एजुकेशन में रोबोटिक्स का इनकॉर्पोरेट करना, इसे इम्प्लीमेंट करना, इस ऑब्जेक्टिव से, जिससे कि स्टूडेंट्स को एंगेज रख सकें, ठीक है। एंगेज कैसे रखा जा सकता है स्टूडेंट्स को, हैंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी बच्चा चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, खुद अप्लाई करे। मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हो गए, रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए, ठीक है। हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट
जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उसके फेज वन में सक्सेसफुली जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म से वे क्रिएट किए गए, एंड अभी प्रेजेंटली की अगर हम बात करें 100 कॉलेजेस इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, ई यंत्रा में स्किल्स क्रिएट की जाती हैं। स्किल्स क्रिएट की जाती है किस चीज़ को लेकर, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करना है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए, कैसे टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एंड कोर स्किल्स डेवलप की जाती है बच्चों की, ठीक है, लाइक इन जनरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एनालाइजिंग कंटेंट टू फर्दर क्रिएट मैनपावर विद प्रैक्टिकल स्किल्स। इट मीन्स कि किस तरीके से हमें मैनपावर क्रिएट करना है, उनकी स्किल्स क्रिएट करनी है, एंड जितनी भी प्रोजेक्ट्स है, कोर्स है, वे सारे के सारे ई यंत्र वेबसाइट पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है कैंपस कनेक्टिविटी। जो NMEICT है, इसका एम है लिवरेज करना, इन्हेंस करना ICT के पोटेंशियल को टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस में। इसका मिशन है कि 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन 512 KB स्पीड पर 25,000 कॉलेजेस को दी जाए, एंड 2,000 पॉलिटेक्निक और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए 1 Gbps को, यानी 2,419 यूनिवर्सिटी 419 यूनिवर्सिटीज़ को 1 Gbps की फाइबर कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, एंड 512 KBS स्पीड पर जो 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है वे 25,000 कॉलेजेस और 2,000 पॉलिटेक्निक्स को दिया जाए। सो आई होप आप क्लियर कर पाइए पॉइंट। ऑन द लाइंस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द PMO, द MHRD हैज नाउ डिसाइडेड दैट द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटीज हैव हैविंग 1 GB बैंडविड्थ शैल बी मेड वाईफाई एनेबल्ड कैंपस। इट मीन्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी कैंपस इससे कनेक्ट है वे सारे वाईफाई एनेबल्ड कैंपस होने चाहिए, एंड जितने भी IIT IIM NITS है वे सारे के सारे वाईफाई कैंपस होने चाहिए। जो प्रोसेस है सारा ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का, ये वाईफाई का, ये करंटली अभी अंडर वे चीज़ें प्रोसेस में चल रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक टू अ टीचर। टॉक टू अ टीचर जो है ये भी डेवलप किया IIT बॉम्बे ने, ठीक है। देखिए इसका जो फंड है, इसका एक फंड कहाँ से मिलेगा, MHRD से मिलेगा, जिसमें आपको फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा सिलेक्टेड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ओके, इट यूजेज अ व्यू कोलेबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम्स टू द फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री। इसमें एक कोलेबोरेशन टूल यूज़ किया गया व्यू, जो डेवलप किसने किया, अमृता यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया। किस लिए डेवलप किया, वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड करने के लिए फैकल्टीज को ऑल ओवर द कंट्री। ये जो कोर्सेज हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है, लोअर बैंडविड्थ पर है ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। मोर देन 80,000 टीचर्स यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सेंक्रोनियस डिलीवरी होती है IIT मुंबई IIT खड़गपुर कोर्सेज की। नेक्स्ट आता है आस्क के क्वेश्चन, ये भी प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स जो साइंस और इंजीनियरिंग के हैं पूरे इंडिया में वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फैकल्टी से जो IIT बॉम्बे में है उनसे वे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके थ्रू। स्टूडेंट यहाँ पर ये एक ऑनलाइन फोरम भी आप कह सकते हैं, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं जो हर थर्सडे इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं। कब होते हैं लाइव क्लासेस, ये 4 PM से 5 PM, यानी एक घंटे का डेली, थर्सडे को वीक के ईच, यानी वीक के हर दिन, यानी थर्सडे को सिर्फ एक घंटे की लाइव क्लासेस यानी इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, एंड हर फ्राइडे फिजिक्स से रिलेटेड 4 से 5 बजे 4 PM to 5 PM फ्राइडे को क्लास होती है फिजिक्स की। ओके, आज के क्वेश्चन पर नेक्स्ट आता है ई आचार्य। ये भी एक इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है, ऑफिशियल रिपोजिटरी है ये, ठीक है। जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस होता है NMEICT में वो सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है इंप्लीमेंट सेंटर गांधीनगर से, जिससे कि अप्लाई किया जैसे कि बेसिक टेनेंट प्रिजर्वेशन डिजिटल कंटेंट। इसका मतलब जो भी कंटेंट है जो आपको ई ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ई आचार्य से मिल जाता है। देखिए इंप्लीमेंट सेंटर ने डेवलप किया वेब बेस्ड इंटरफेस, इन्फ्लिमनेट सेंटर जो कि गांधीनगर में है, ओके, जो कि गुजरात की कैपिटल है, उन्होंने डेवलप किया वेब बेस्ड इंटरफेस जिसका नाम है ई आचार्य।
ये एक इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है सारे ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये इसको फंड कहाँ से मिलता है, NMEICT के थ्रू मिलता है। जितने भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं अवॉर्डेड डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट श्योर द डिलीवर अ प्लेस एट द अर्लीस्ट, यानी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कॉन्टेंट डिलीवर किए जाते हैं यानी जल्दी से जल्दी यहाँ पर भी चीज़ें डिलीवर की जाए। अब इसमें मेन इसका इम्पोर्टेंस इसका डाटा होता है। देखिए इसका डाटा क्या है, ये 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाउड नेटवर्क है ये, NIC ने सेटअप किया, NK डाटा सेंटर, IIT दिल्ली कॉल्ड बादल एंड MOOC इसके अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसको EHRA पर अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट आता है eKalpa, ये भी एक डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है फॉर डिज़ाइन इन इंडिया हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड। ये क्या है, eKalpa एक डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसमें आपको डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है, डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डाटाबेस मिलेगा, क्राफ्ट सेक्टर का भी सारा काम किया गया है, सोशल नेटवर्किंग है हायर लर्निंग के लिए विद कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस फॉर डिज़ाइन एंड इनपुट्स भी डिज़ाइन की गई है प्रोडक्ट्स को लेकर, प्रोडक्ट्स के लिए NMEICT के थ्रू। December 2015 में जो तो कंटेंट है eKalpa का, क्या वेबसाइट रखी गई, डी सोर्स, जिसमें 160 कोर्सेज जो है वो उसके अंदर इंक्लूड किए गए एंड 400 रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फाइन एग्जाम। यानी यहाँ पर क्या बात की गई है, देखिए जो 160 कोर्स है वो है डिज़ाइन से रिलेटेड अलग अलग डोमेन से, जो 400 रिसोर्सेज है वो डिज़ाइन एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, FOSI, इट मीन F से फ्री, O से ओपन, S से सोर्स, ओके, एंड C से मतलब सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये सैंक्शन किया गया प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे में, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के थ्रू, स्पोकन ट्यूटोरियल्स के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू, इंटर्नशिप्स के थ्रू, टेक्स्ट, इसमें सारी चीज़ें मतलब इसमें क्या आता है आपका ट्यूटोरियल्स हो गए, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला दिए गए इसके थ्रू, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक कंपेनियन है इज़ अ कलेक्शन ऑफ कोड ऑफ फॉर सेव सोल्ड एग्जाम्पल ऑफ जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है आपकी, उसका जो पूरा जो सोल्ड जिसके जो एग्जाम्पल्स है उसको पूरा जो कलेक्शन है ये यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया गया। जो 2000 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स वे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके फ्रेंड, जो मैंने आपको चीज़ें पहले कराई है वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ई विद्वान क्या, ये भी इंप्लीमेंट सेंटर ने लॉन्च किया, इसका नाम क्या रखा गया, विद्वान। ये प्रीमियर डाटाबेस है, इसमें किसकी प्रोफाइल्स है, सारी साइंटिस्ट की प्रोफाइल्स है, रिसर्चर की प्रोफाइल्स है। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, स्पोकन ट्यूटोरियल, सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या है ये। ये हम आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्पोकन ट्यूटोरियल फ्रेंड एक मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशन कंटेंट पोर्टल है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे और जितना मैंने आपको कराया है स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड